Assalamu alaikum, dear students. Do you know the difference between compliment and compliment? 80% of the people use them in wrong way. It means they misuse. If you would like to learn this difference and 300 plus pair of words, then subscribe our channel MCQs platform. If you haven't watched our previous lecture about beach, then click on the iCard button in the right corner of this video. Let us move to learn pair 3 for today, that is day 3. आज का हमारा जो pair of word है वो है compliment and compliment. अब सुनने में यकीनन ये भी previous lecture beach BESH और BEECH. तो उसमें हमने difference ये पढ़ा था कि एक होता है दरख का नाम और दूसरा है shore या seashore या साहिल, ठीक है ना. तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट ये भी सुनने में एक जैसा है, सिर्फ और सिर्फ स्पेल में डिफरेंस है और मीनिंग में डिफरेंस है. तो पहले हम आज पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT फर्स्ट वाला, जिसका मतलब क्या होगा. कॉम्प्लीमेंट मीन्स टू एड टू समथिंग, टू एड टू समथिंग इन अ वे दैट इम्प्रूव्स इट और मेक इट मोर अट्रैक्टिव. एक मतलब तो ये हो गया. दूसरा मतलब विच कम्प्लीट्स और मेक फुल, जो पूरा एक किसी चीज़ को पूरा करे. अब देखें एग्जांपल्स में क्या आ जाता है. द एक्सीलेंट मेन्यू इज़ कॉम्प्लीमेंटेड बाय अ गुड वाइन लिस्ट. एक आप रेस्टोरेंट में गए, उधर एक फैमिली या एक ग्रुप ने आके जो चूज़ किया है, क्या मेन्यू में से जो भी डिशेज उन्होंने चूज़ की है, उसके साथ साथ एक गुड वाइन की लिस्ट लगी हुई है. तो उसमें क्या है कि जो वाइन लिस्ट है वो अट्रैक्टिव थी, मतलब कॉम्प्लीमेंट कर रही है उस खाने के साथ फला वाइन लेने के. तो जो उधर बैठा हुआ है वो कमेंट पास करता है, द एक्सीलेंट मेन्यू इज़ कॉम्प्लीमेंटेड बाय अ गुड वाइन लिस्ट. अगर ये मेन्यू अच्छा है तो उसको पुर कौन कर रहा है, वाइन की लिस्ट, एक गुड वाइन लिस्ट. उसी तरीके से द फ्लेवर्स इन द डिश कॉम्प्लीमेंट ईच अदर परफेक्टली. एक मसाला, एक जो फ्लेवर है, जायका है, वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है दूसरे जो जायके के साथ, मतलब जायके या फ्लेवर्स जो भी हैं वो डिश में कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को परफेक्टली, या वो मैच के हिसाब से रखे गए हैं ताकि जो डिश होगी तैयार हुई हुई है वो इतनी अच्छी लगे, खाने में इतनी लजीज लगे. जो ये कमेंट कौन पास कर रहा है, एक बैठ के खाने वाला या फैमिली का एक मेंबर या एक ग्रुप का मेंबर. तो ये था पहला क्या वर्ड हमारा पेयर में से, पहला वर्ड था कॉम्प्लीमेंट. अब हम पढ़ेंगे COMPLEMENT, उसका मतलब क्या होगा. कॉम्प्लीमेंट अ कमेंट दैट एक्सप्रेसेस प्रेज, किसी की तारीफ करना, या कोई ऐसे कमेंट, कोई ऐसे टेक्स्ट जो किसी का क्या प्रेज कर रहा हो. अप्रूवल ऑफ समबडी, मतलब उसकी यकीनदानी करना, उसका मौजूद होना, उस बेहतर तरीके से शो करना. टू पे समबडी अ कॉम्प्लीमेंट, टू प्रेज देम फॉर समथिंग, किसी को किसी की वजह से क्या करना, किसी की तारीफ करना. अब एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो मज़ीद समझ आएगा. शी एक्नॉलेज देयर कॉम्प्लीमेंट्स विद अ बिग स्माइल, उन्होंने उसके कॉम्प्लीमेंट्स, अगर एक बंदे ने कहा यार आप तो आज बहुत प्यारे लग रहे हैं, तो जब किसी लड़की को कॉम्प्लीमेंट दिए गए तो उसने एक्नॉलेज किए, उसने कबूल किए एक बिग स्माइल के साथ. I thank you for the compliment you have paid me. मैं शुक्र गुज़ार हूँ कि जो आपने compliments, जो आपने तारीफ मेरे लिए की. तो ये था आज का difference compliment और compliment में. तो most of the people क्या गलती करते हैं कि E और I के दरमियाँ कोई फ़र्क नहीं रखते हैं. तो अब I और E के दरमियाँ वाला फ़र्क पूरा मतलब चेंज कर लेता है सेंटेंस का, और कॉन्टेक्स्ट पूरी चेंज कर लेता है. तो इसी तरीके से अगर 300 प्लस पैरा वर्ड आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल MCQs प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो
खुद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे CSS, PMS, PCS और वन पेपर बेस जितने भी पेपर हो जाते हैं FPSC जो कंडक्ट करती है, जैसे FIA और सिक्योरिटी ऑफिसर और एंटी नारकोटिक्स, जितने भी 16वें 17वें और 15वें ग्रेड की जितनी भी जॉब्स होती हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर पेयर थर्ड समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं पेयर फोर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।